फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल शिवी। तो आज है बसंत पंचमी। हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। और हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं शिवी? टोपी नीचे कर लो। हाँ, हम जा रहे हैं मॉल के पास। तो हम जा रहे हैं मॉल, नोएडा में है एक गौहर सिटी मॉल। डीएलएफ मैंने घूमा है, जीआईपी घूमा है, बहुत सारे मॉल घूमे, मगर इस साइड नोएडा एक्सटेंशन साइड में नहीं गए हैं कभी। तो आज हम जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी घुमाती हूँ थोड़ा बहुत। फर्स्ट टाइम खुद ही घूम रही हूँ, तो मिलते हैं। और राशन भी लेना है, तो राशन भी इसी बहाने ले लूंगी क्योंकि वहां पे बिग बाजार भी है, तो मेरा राशन भी आ जाएगा और गौहर सिटी मॉल भी देख लेंगे, तो ये दोनों काम हो जाएगा। इस बार राशन जो है हमने पिछली बार ज्यादा लिया था, तो इस बार में काफी दिन तक चल गया, बट अभी जो है फिर से खत्म हो रहा है। तो जो बेसिक सामान है वो लेने हैं। मैंने स्कूल में एक बसंत पंचमी में क्राफ्ट का काम किया था जिसमें सनफ्लावर बनाया था, उसका तो मैं फोटो लगाऊंगी। मैंने कम्युनिटी पे ऑलरेडी लगा रखी है आज, तो आप लोग देख सकते हैं वो शिवी ने खुद बनाया। बीच में वो चाय की पत्ती है। टीचर्स को बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आते, तो बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा हेल्प तो हम ही करते हैं बच्चों की, वैसे तो बच्चे तो अभी इतना परफेक्टली नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, मिलते हैं मॉल में। ये अब हम करेंगे क्या करेंगे? शॉपिंग करेंगे। तो चलो हम आपको शॉपिंग कराते हैं, ठीक है? फाइनली हम लोग आ गए हैं गौहर सिटी मॉल में। और देखिए पीछे, देखिए कितना अच्छा व्यू है। तो मॉल तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, पता नहीं वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि वैसे भी थोड़ा दूर से अभी तो अभी थोड़ा हटा रही थी। तो मॉल काफी अच्छा लग रहा है, स्पेशियस है। मेरा तो फर्स्ट जो व्यू है काफी मुझे अच्छा लगा। अभी हम सोच रहे हैं बिग बाजार जाने से पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि भूख भी बहुत तेज लगी है। सुबह ब्रेकफास्ट जल्दी कर लिया था, फिर घर के काम में लग गया, फिर निकल आया। तो पहले विक्रम कुछ लंच कर लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद शॉपिंग करके फटाक से चल लेंगे, फिर हमें किसी के यहाँ जाना भी है। शिवी इंजॉय कर रही है, हम लोग यहाँ पर। काफी अच्छा मॉल लग रहा है, देखिए यहाँ पे बच्चों की ट्रेन भी है। तो शिवी को बैठना है ट्रेन में, तो मैं और शिवी जा रहे हैं, पहले ट्रेन में बैठेंगे और विक्रम वहाँ पे जो है उसकी टिकट होती है वो करवा रहे हैं। तो हम लोग फाइनली जा रहे हैं ट्रेन में बैठने। तो यहाँ पे मैम देखिए हम लोग आ गए हैं रेलगाड़ी, रेलगाड़ी छुक छुक करने शिवी की मर्जी से, क्योंकि शिवी को बैठना था। शिवी ने कार देखी, रेलगाड़ी देखी, मैंने कहा कोई एक पे बैठाऊंगी, आप बताओ किस पे, तो उसने कहा ट्रेन पे ही बैठना है। मैं कहा ओके ठीक है, क्योंकि बच्चों को क्या है ना, बात पैसों की नहीं होती, बात ये होती है कि बच्चे ना फिर हर चीज़ के लिए तुरंत अगर एग्री कर जाओ तो वो ज़िद्द पकड़ लेते हैं कि मम्मी पापा बहुत आराम से दे रहे हैं, मतलब इसके लिए भी इसके लिए भी, और फिर कभी आप ना करो ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा ज़िद्द करने लगते हैं। तो इसलिए ओनली वन बोला, तो ओनली वन में उसने रेलगाड़ी चूज़ की, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ पे मैंने खूब सारी फ़ोटो भी क्लिक कराई थी, तो ये मैंने इसकी रील भी बनाई थी। यहाँ पे विक्रम भी है, कोई था ही नहीं ट्रेन में, तो मैंने कहा चलो हम तीनों ही ले लेते, तीनों की टिकट अपना करके हम लोग आराम से बैठ गए। सॉरी शिवी की टिकट नहीं लगी थी, मेरी और विक्रम की ही लगी थी। हम आ गए हैं फूड कोर्ट में, और यहाँ पे सागर रत्न आया था, बहुत दिनों से सागर रत्न का मैंने पसंद किया। ठीक है, आप पनीर नहीं, मैं तो ये सागर रत्न से मेरा मसाला डोसा हम दोनों शेयर कर लेंगे, मैं और शिवी। शिवी का भी फेवरेट है तो हम दोनों खा लेंगे। आप ये किंग रोल्स है ना, तो यहाँ से पनीर रोल कराओगे, अगर भूख लगी तो फिर देख लेंगे, फिर अगर कुछ और लगा तो ले लेंगे कुछ स्वीट वगैरह में। हाँ ठीक है, हाँ। और हमारा एक मसाला डोसा, हाँ क्या करा क्या है, क्या आ गया शिवी? शिवी बैठ ल, डैडी किंग रोल्स किंग से रोल्स किंग ऑर्डर करेंगे ना। तो ये रहा इनका सांभर, जो कि काफी यमी यमी लग रहा है। ये चटनी, ये वो, और शिवी ने स्टार्ट कर दिया खाना। ये सांभर है, आराम से कम है, ज्यादा भी नहीं। चटनी से डिप करके खाओ, चटनी से, ये वाली चटनी से। यम्मी है, यम्मी है, बहुत यम्मी है।
चटनी से खाओ। तो यहाँ पे ये देखिए मैडम का केक कट रहा है डोनट्स से, वो भी तो शिवी को मैंने ना अपोजिट साइड बैठाया था डोनट्स के कि वो उसे देखे ना, बट उसने किसी बच्चे को खाते हुए देखा तो उसको लालच आ गया कि मुझे अब खाना है। और उसके बाद फिर खाते खाते मैडम को टॉयलेट लग गई, चलो टॉयलेट चलो, तो फिर वो करवाया हैंड वॉश वगैरह कराया। और ड्रायर जो था ना उससे मैं कह रही हूँ बेटा सुखा लो, नहीं मैडम इतना डर गई थी ना, मेरा ही देखा उसमें आवाज़ बहुत तेज़ आती है ना, तो इसलिए वो आवाज़ से ही शायद डर गई। फिर यहाँ पे ये देखिए कितने प्यारे से ट्री लगा था, आर्टिफिशियल ट्री है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए बिग बाज़ार में शॉपिंग करने, जिस काम के लिए आए थे। तो बेसिकली ये मॉल तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिग बाज़ार में भी काफ़ी अच्छे ऑफर चल रहे हैं इस वक्त। राशन में ज़्यादा कुछ डिस्काउंट तो नहीं है कि बाय टू गेट वन, ऐसा नहीं। हाँ बट बिग बाज़ार में नॉर्मल ना दो दो तीन तीन रुपए के डिस्काउंट चलते रहते हैं, जो हर प्रोडक्ट पे नॉर्मली होते ही होते हैं, कभी भी आप चले जाओ तो कभी भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे शिवी को मैंने अभी ट्रॉली पे बैठा दिया है, और बाकी मैं जो मेरे पास जितना राशन जो था एक्स्ट्रा वो तो नहीं लिया है, उसके सिवा जो थोड़ा बहुत ख़त्म हो रखा था उसमें भी मैंने ले लिया, क्योंकि लास्ट मंथ जो लेकर आई थी उसमें काफ़ी कुछ मसाले वगैरह थे, साबुन वगैरह था, बट जो नहीं था खाने पीने का सामान और बाकी बेसिक जो सामान होते हैं ग्रॉसरी के, वो मैंने ले लिए यहाँ पे। देखिए अभी शिवी खड़ी होती जा रही है, पहले बैठी थी फिर धीरे धीरे खड़ी होती गई क्योंकि सामान जो है ना वो बढ़ता गया, फिर शिवी को हम दे रहे थे, शिवी रख रही थी। तो इसी तरीके से मैं आप ग्रॉसरी का अलग से कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, इसी में मैं आपको शो कर दे रही हूँ इन शॉर्ट कि क्या क्या लेकर लिया है। अरहर दाल, मिक्स दाल, छोटी छोटी चीज़ें जो घर की होती हैं, सामान होती हैं वही सारी चीज़ें। ये ब्रश वगैरह शिवी के ख़राब हो गए थे, ब्रश तो दो ढाई महीने में मैं चेंज कर ही देती हूँ। और यहाँ पे शिवी की ये राइटिंग बुक जो है ना, शिवी को 20 तक तो स्कूल में करा दिया है, बट ये 50 तक मैंने ले लिया फिर प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वो लिख तो लेती है बट बोर्ड में लिखती है, प्रैक्टिस अभी मैम ने स्कूल में नहीं कराई, स्कूल में है नहीं 50 तक, 20 तक ही है, तो मैंने कहा 50 तक ले लो आप, घर पर प्रैक्टिस ही करना। और ऐसी बच्चों के लिए बुक्स बहुत सारी आती हैं बिग बाज़ार में, और बहुत ही रीज़नेबल रेट होती है, 40-50-60 रुपीज़ में, तो आप लोग जाकर ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे पॉपकॉर्न एक्ट पॉपकॉर्न, अब मैंने थोड़ा सा ग्रॉसरी में स्नैक्स वगैरह के जो सामान होते हैं, नमकीन बिस्किट मैगी ये सब भी ले लिया है, क्योंकि सारा घर का सामान ले लिया, किसान जैम पीनट बटर ये सारी चीज़ें। और उसके बाद आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने ये सारा जो सामान लिया है पूरी ट्रॉली भर गई और कितने का बिल बना है। अप्रॉक्स मेरे जो अभी आटा देखी नीचे, आटा चावल नीचे रखा हुआ है, और ये सारा सारा सामान जो है हमारा ग्रॉसरी का जो पड़ा है अराउंड 4,900 समथिंग, मतलब 5,000 के आसपास मान लो आप, इतना पड़ा है, तो इतने में आ जाता है। मिलते हैं हमने।